आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ सैक्रिफाइस रिटन बाय विलियम डीन हॉवेल्स। विलियम डीन हॉवेल्स एक अमेरिकन रियलिस्ट नॉवेलिस्ट लिटरेरी क्रिटिक और प्लेराइट थे इनका निकनेम था द डीन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर्स आज हम डिस्कस करने वाले सेल्फ सैक्रिफाइस इसका सबटाइटल है अ फाट्स ट्रेजेडी इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था 1916 में द डॉटर ऑफ द स्टोरेज एंड अदर थिंग्स इन प्रोस एंड वर्स नाम की बुक में ये जो टाइटल है सेल सैक्रिफाइस और इसका ये जो सबटाइटल है अ फाट्स ये दोनों इसके लिए बहुत ही सुटेबल हैं और वो कैसे वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे अब ये जो फार्स है जैसे कि आपको पता होगा इसका मेन जो रीजन होता है लिखने का वो होता है प्योर एंटरटेनमेंट इसमें कैरेक्टर्स के और बिहेवियर्स होते हैं देन द डायलॉग्स आर ऑल्सो वेरी फनी तो वही सब हमें इस प्ले में देखने को मिलता है ये एक वन एक्ट प्ले है जिसमें टोटल सेवन सीन्स है तो हम सीन वाइज इसकी समरी डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम कैरेक्टर्स से मिल लेते हैं इसमें मिस इसोबेल राम से जो कि एक टॉल पिटाइट लेडी है मतलब जो ऊंची है उसका फिगर काफ़ी अच्छा है लेकिन शी इज़ अ ब्रेनलेस ब्यूटी वो काफ़ी शैलो है और उसका नेचर जो है काफ़ी प्रोटेंशियस है मतलब वो दिखावा हुआ करती है मिस गार्नेट ये राम से की बेस्ट फ्रेंड है और ये प्लप वुमन है काफ़ी मोटी है शी इज़ बिजी आइडियल सोफिस्टिकेटेड लेडीज ऑफ फैशनेबल सोसाइटीज मतलब जस्ट तो गेट रेडी डू मेकअप एड रोम हेयर एंड देयर इस तरीके की बिजी है वो मिस्टर एशले जो है वो इस प्ले का हीरो है बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर है और वो रैमसे का लवर है अब यहाँ पर डायरेक्टली हॉवेल ने ये डिस्क्राइब नहीं किया है कि मिस्टर एशले की पर्सनालिटी कैसी है लेकिन हमें मिस गार्नेड और मिस रैमसे के कन्वर्सेशन के थ्रू पता चलता है कि एशले एज ए पर्सन कैसा है अब ऐशले क्योंकि ही इज़ द मोस्ट सेंसिबल पर्सन इन द प्ले लेकिन क्योंकि ये फार्स है तो उसे एक कॉमिक टच देने के लिए विलियम हॉवेल ने उसे हाइट में कम दिखाया है रामसे से so, एक जनरल स्टैंडर्ड के हिसाब से हीरो पर उसकी हाइट कम दिखाई गई है जस्ट टू मेक द फन और टू क्रिएट द फन कॉनी ये कॉमन फ्रेंड है मिस इसोबेल राम से और मिस कार्नेट के नोरा ये एक माइनर कैरेक्टर है मे बी शी इज जस्ट द मेड इन मिस इसोबेल रामसेस हाउस अब डिस्कस करते हैं समरी सीन सीन फर्स्ट से लेके फोर्थ तक एक ही इंसिडेंट है या एक ही इवेंट है कैरेक्टर्स भी चेंज नहीं होते हैं तो हम उनको एक साथ डिस्कस करेंगे सीन फर्स्ट से लेके फोर्थ तक तो प्ले की शुरुआत होती है मिस इसोबेल रामसे के घर पर जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि रामसे और गार्नेट ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो डिस्कस कर रही है कन्वर्सेशन कर रही है प्ले की फर्स्ट लाइन जो है वो रामसे की होती है जो जब वो ये पूछती है गार्नेट से एंड दे वर रियली अंडरस्टूड टू बी एंगेज ये इस प्ले की फर्स्ट लाइन है अब फर्स्ट लाइन ऐसी है कि जिससे आपको आइडिया नहीं मिलता है कि कैरेक्टर कि, किस किसके बारे में बात कर रहा है या एग्जैक्टली exactly मैटर क्या है लेकिन बहुत कुछ समय बाद ही हमें पता चल जाता है कि रामसे एंड गार्नेट आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऐशले एंड इमिलिफ्रे इमिलिफ्रे ये एक लेडी है जिसके साथ में एशले जो है वो टाइम स्पेंड करता है तो ऐशले जो है वो इन वैसे तो रिलेशन में रामसे के साथ में है लेकिन जब गार्नेट और रैम से इस बारे में डिस्कस करते हैं कि मिस्टर एशले वॉल्टर एशले इज स्पेंडिंग मोर टाइम विथ इमिली फ्रे तो एक्चुअली रैम से को जलस ही फील होनी चाहिए बिकॉज उसका लवर जो है वो किसी और लेडी के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है लेकिन इन दोनों के कन्वर्सेशन में हमें लैक ऑफ सीरियसनेस देखने को मिलता है बिकॉज इट्स अ फार्स मिस गार्नेट जो है वो पूछती है रैम से कि क्या हमें सच में मिस्टर एशले से नाराज़ होना चाहिए क्योंकि हमें यही पता नहीं है कि एशले जो है वो इमिलिफ्रे के साथ में खुश है भी या नहीं है अब अगर नॉर्मल सिचुएशन होगी तो नो लेडी इज गोइंग टू टॉक लाइक दिस लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये फार्ट है तो कन्वर्सेशन इस तरीके का दिखाया गया अब इन दोनों के बीच में का कन्वर्सेशन जो है वो शुरू होता है इस चीज़ की वजह से क्योंकि गार्नेट जो वो बताती है कि उनकी जो कॉमन फ्रेंड है कॉनी उसको ऐसा लगता है कि एश्ले और इमिली फ्रे के बीच में कुछ चल रहा है मतलब कोई इंसिडेंट नहीं मतलब कोई प्रूफ नहीं है कुछ ऐसी चीज़ हुई नहीं है जस्ट उसको लगाकर उसने बोल दिया उस पर ये कन्वर्सेशन कर रही है इतना बड़ा अब कॉनी जो है वो अनश्योर है उसे ये भी नहीं पता कि इमिली ने सच में ये समर का जो टाइम है समर वैकेशन का वो सच में एशली के साथ में स्पेंड किया भी या नहीं है उसने जस्ट बोल दिया और गार्नेट ने सब कुछ रामसे से दिमाग में भर दिया अब इनका डिस्कशन ही चल रहा होता है कि बीच में जो है मिस राम जो है वो यही भूल जाती है कि वो किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं इमेजिन शी जस्ट फॉर अबाउट द टॉपिक वॉट दे आर टॉकिंग और वो बीच में डिसाइड करती है कि अभी हम कुछ अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स खाते हैं ताकि हमें ये याद आ सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद में वो कुछ चॉकलेट्स खाते हैं और उनको याद आ जाता है सडनली कि दे वर टॉकिंग अबाउट ऐशले एंड इमिली फ्रेज रिलेशन और फिर रामसी को लगता है कि एशले उसे चीट कर रहा है और सडनली उसके अंदर से जो वो एक फेमिनिस्ट जो है वो जागृत हो जाती है वो कहती है कि एशले जो कर रहा है कि वो मुझे भी चीट कर रहा है और इमिली इमिलिफ्रे को भी चीट कर रहा है तो ये इंसेल्ट है व्यूमेन की और हमें उसे जो है एक लेसन सिखाना चाहिए लेकिन गार्नेट और रैमसे को यही नहीं समझ में आता है कि आशले के साथ में क्या किया जाए उनका जो डिस्कशन जो है वो शुरू हुआ था इस मैटर को लेकर तो बीच में ही रैमसे जो है वो गार्नेट से पूछती कि क्या कोई ऐसी बुक्स या कुछ प्ले है जिसमें इस तरीके की सिचुएशन जो है वो बताई गई हो और उसमें क्या सोल्यूशन दिया गया है वो अकॉर्डिंगली हम भी बिहेव करेंगे तो ये जो गार्नेट है ये कुछ एग्जाम्पल्स देती है फेमस प्ले के जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक मैरिड इंसान का जो है वो किसी और लेडी के साथ में जो अफेयर होता है और चूँकि उसकी मैरिज जो है वो बच जानी चाहिए उसकी उस आदमी की खुशी के लिए उसकी बिलावड़ी जो है वो उसे जाने देती है तो ये राम से जो वो भी सेल्फ सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करती है दैट शी विल दैटी लेट गो एश्ले फॉर द हैप्पीनेस ऑफ एश्ले एंड इमिली फ्रेंड तो इसलिए इस टाइटल का प्ले जो प्ले का टाइटल जो वो है वो सेल्फ सेक्रीफाइस है तो इतने में जो नोरा होती है मेड होती है रैमसी के घर में कि वो वहाँ पर आती है और बताती कि मिस्टर आशले जो वो, आ, है वो कुछ देर में पहुँच रहे हैं अब जैसे ही गार्नेट और रैमसी ये सुनती है कि मिस्टर एशले आ रहे हैं दोनों ही एक्साइटमेंट में जंप करने लगती है सोचिए कि जिस इंसान की वो अभी बुराई, बुराई कर रही थी बुराई कर रही थी रैम से जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेड थी ऐशले से अभी उसके अराइवल पर वो बहुत ज़्यादा खुश है गार्नेट जो है वो वहाँ से चली जाती है यहाँ पर थर्ड सीन का एंड होता है इसके बाद में राम से जो है वो नोरा को बताती है कि तुम राम से का मतलब उसका रामसे का जो भाई होता है उसका सिगरेट और कॉकटेल्स का जो है वो वहाँ पर लेकर आए सिगरेट्स और कॉकटेल्स तो रो नोरा जो है वो रामसे से कहती है कि आपको तो ये सारी चीज़ें वलगर लगती है ख़राब लगती है लेकिन राम से बोलती है कि मैंने जैसे तुमसे कहा है वो करो वो वलगर चीज़ें तुम यहाँ पर लेकर आओ इसके साथ में जो है वो फोर्थ सीन एंड होता है जब मिस्टर एशले जो है वो एंटर करता है रूम में और रैम से जो है वो उसे वेलकम करती है उसके हाथ में सिगरेट है जली हुई और वो एशले को इनवाइट करती है अब इसके बाद में शुरू होता है सीन फिफ्थ कन्वर्सेशन दिखाया गया है रैमसे और आश्रय के बीच में ऐश्रय जो है वो बहुत ज़्यादा ईगर होता है रैमसे से मिलने के लिए लेकिन वो काफ़ी शॉक भी होता है ये देख कि रैमसे जो है वो स्मोकिंग कर रही है लेकिन जैसे ही एक लंबा अश्क जो है वो लेती है आराम से सिगरेट का उसे कफिंग होने लगता है बिकॉज शी इज नॉट अ स्मोकर और वो जो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी दैट शी इज अ बैड वुमन कि वो ड्रिंक करती है वो सिगरेट स्मोकिंग करती है तो वो जो उसका एक्ट है वो खराब हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा कफिंग होने लगती है तो वो ऐश्वर्य से कहती है कि तुम विंडो जो है वो ओपन कर दो और उससे कहती है कि तुम्हें सारी सिगरेट जो है वो फायर में फेंक दो जला दो और वो ऐश्वर्य से कहती है कि तुम मेरे लिए थोड़ी सी चाय जो है वो कप में पोर कर दो इसके बाद में से जो वो बहुत ज़्यादा सिगरेट से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और ऐशले से कहती है कि तुम ये इन्हें फेंक दो लेकिन शॉकिंगली यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एशले इज़ इंटरेस्टेड इन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इसके बाद में रा जो एशले है वो जब वो सिगरेट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता है तो वो बोलता है कि रामसी का भाई जो है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है सिगरेट और लिकर को लेकर इसके बाद में ऐशले जो है वो रैमसे से पूछता है कि वो एक बुक पढ़ रहा है जिसमें स्टोरी बताई गई है एक मैरिड मैन की जो किसी और से प्यार करने लगता है मतलब ही हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे ही एशले स्टोरी के बारे में रैमसे का पॉइंट ऑफ व्यू पूछता है तो रैमसे के अंदर जो कुछ भी भड़ास होती गुस्सा होता है वो सब कुछ बाहर आ जाता है और वो उससे ब्लेम करने लगती है कि एशले जो है वो उसे और अनिली को चीट कर रहा है इसके बाद में राम जो है वो रोती हुई रूम से बाहर चली जाती है और बाहर जाने से पहले वो कुछ चेयर्स जो है वो अप डाउन करके जाती है उलट पुलट कर चली जाती है इसके बाद में यहाँ ख़त्म हो जाता है फिफ्थ सीन अब शुरू होता है सीन सिक्स जहाँ पे हमें देखने को मिलता है एशले जो कि जिसे बोलने का मौका ही नहीं मिला वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं रख पाया कि उसका और इमिली का रिलेशन कुछ है भी या नहीं है क्योंकि वहाँ से आराम से चली जाती है इतने में वहाँ पे गार्नेट आती है क्योंकि उसका पर्स वहाँ छूट चुका था तो वो वापस आती है और एशले जो वो समझ जाता है कि रामसे के दिमाग में ये सारा जो है वो किसने भरा है ये रूमर उस तक किसने पहुंचाया तो गार्नेट जो है एशले जो वो डायरेक्टली गार्नेट से पूछ लेता है कि क्या तुमने ऐसा कुछ रामसे से कहा है तो गार्नेट जो वो कहती है कि हाँ उसी ने ये सब कुछ बताया है और वो उससे पूछने लगती है आशले से कि क्या रामसे ने तुम्हारे साथ में कुछ अजीबों बिहेव किया क्या तुम सच में इमिली के साथ में एंगेज हो और अगर नहीं हो तो इमिली किसके साथ में एंगेज है तो एचले बताता है कि इमिली इज एंगेज टू ओवेन ब्रुक्स तो गार्नेट को एक्चुअली अभी रिग्रेट फील होना चाहिए था पछतावा होना चाहिए था कि उसकी वजह से कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है लेकिन ये रिग्रेट करने की बजाय वो एश्ले से और ज़्यादा सवाल पूछते रहती है रिगार्डिंग कि रैमसे ने कैसे बिहेव किया इसके बाद में गार्नेट जो है वो क्लियर करती है रैमसे से कि सॉरी क्लियर करती है एशले से कि राम से जो वो बिल्कुल भी एडिक्टेड पर्सन है शी इज़ नॉट अ स्मोकर एंड अ ड्रिंकर एट ऑल वो एक एज अ बैड वूमन अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी ताकि एशले जो वो उसको छोड़कर इमिली के पास में चला जाए एंड दे शुड बी हैप्पी टुगेदर इन शॉर्ट शी वाज ट्राइंग टू डू सेल्फ सेक्रीफाइस इसके बाद में गार्नेट जो है वो एक्सप्लेन उसका जैसी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है रैम से वहाँ पर आती है और वहाँ पर सीन जो है कंक्लूड हो जाता है नाउ स्टार्ट द सीन सेवेंथ जहाँ पर हमें हैप्पी एंडिंग देखने को मिलता है प्ले का एक्चुअली जो है वो इसने जो एक्ट किया था रैमसे ने बैड वूमन वाला वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम्हारा एक्ट इतना ज़्यादा इंटेंस था कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए इमिली के पास में वापस जाने वाला था इसके बाद में वो रैमसे को इसोबेल कहकर पुकारता है फिर उसे डियरिस कहता है फिर उसकी परमिशन मांगता है और उसे डार्लिंग कहता है इन शॉर्ट ही वॉज़ ट्राइंग टू मेक हर हैप्पी इसके बाद में सीन जो है वह खत्म हो जाता है जहाँ पर एशले जो है वो उसको हक करता हुआ हमें नजर आता है और इस तरीके से प्ले जो है वो खत्म होता है अब इस प्ले का जो टाइटल है सेल्फ सेक्रीफाइस वो इसलिए सुटेबल है बिकॉज हियर वी सी दैट इसोबेल रामसी इज ट्राइंग टू सेक्रीफाइस हर लव फॉर इमिली फ्रे और एशले की हैप्पीनेस के लिए दैट्स वाट द टाइटल सेल्फ सेक्रीफाइस और इसका जो सेकेंड टाइटल सब टाइटल है फार्ड स्ट्रेटजी वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एक तरीके का क्रिटिसाइज़ किया गया है इस प्ले के थ्रू ब्रिटिश लोगों पर और हमें ये भी देखने को मिलता है कि रैम से और गार्नेट जो है कि जो दो तो लेडीज हैं ये अगर चाहती थी तो इस सिचुएशन बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो हैंडल कर सकती थी फॉर एग्जांपल रैम्प से अगर चाहती थी तो डायरेक्टली आश्रय से कन्वर्सेशन कर सकती थी कि क्या कुछ ऐसा है क्या तुम्हारे एमिली के साथ में कोई अफेयर है वगैरह वगैरह लेकिन ये सब करने के बजाय दे ऑप्ट फॉर अ सेकेंड ऑप्शन वो क्या करती है कि बुक्स में या प्ले में जो रोमांटिसाइज किया जाता है सिचुएशंस को ग्रैंड लेवल पर दिखाया जाता है तो उसी तरीके से जीने की कोशिश करती है सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है वो एक बैड वूमन का प्रिटेंड करने को देखती है ताकि एशलू से छोड़कर चला जाए जबकि एक्चुअल में वो ऐसा नहीं चाहती है कि एश्लू से छोड़कर चला जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये ट्रेजेडी इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में मैटर सीरियस होता है एक लेडी के लिए उसका लवर इज इन्वॉल्व विथ समन एल्स इज चिटिंग विथ हर ये महसूस होना या ये फील होना ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर है इसलिए ये ट्रेजेडी है लेकिन ये दो लेडीज जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करती है वो इसको फार्स बना देती है कॉमिकल बना देती है दैट्स वाई अ फार्स ट्रेजेडी तो ये था प्ले अ सेल्स सेक्रीफाइस अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब टू तो द चैनल हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो